पिलानी तहसील क्षेत्र के अमारा और गोरीकला गांव के बीच से ओवरलोड बालू से भरे ट्रकों के संचालन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। इन ट्रकों की वजह से गांव के रास्ते पर स्थित 3 स्कूलों के छात्रों को खतरा हो रहा है। ओवरलोड ट्रकों की वजह से चंद्रवल नदी पर बने संपर्क मार्ग पुल के टूटने का खतरा भी जाग रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और स्थानीय प्रशासन पर कार्यवाही न करने के भी आरोप लगाए हैं। जो एक्चुअली मेरा जो है पैतृक गांव और क्षेत्र जसपुरा है, और जसपुरा क्षेत्र से लगातार जो है कई खदानें चल रही हैं बालू की, खपटिया कला, मड़ौली खुर्द और अमारा गांव के, ये सभी ग्रामीण अमारा गांव से और खपटिया कला से आए हुए हैं। इनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने कई बार जो किसानों के साथ गलत बर्ताव, किसानों के खेतों से बालू निकालना, किसानों के साथ बदतमीजी से बात करना, असलाहों के दम से इनके साथ उल्टे सीधे व्यवहार करना, यही सब समस्याएं हैं। सभी किसान आए हैं ग्राम आवारा से और खपटिया कला से। SDM से शिकायत की थी पहलानी? SDM साहब से भी शिकायत की है, स्थानीय प्रशासन है SDM पहलानी तहसील के, SDM साहब से भी कई बार शिकायतें की गई हैं, दूरभाष के माध्यम से भी शिकायत की गई, पत्र के माध्यम से भी शिकायत की गई, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि SDM साहब का कुछ अपना ही निजी मामला है खदान वालों से। उससे जो गाड़ियां निकलती हैं, वो गाड़ियां निकलती हैं गौरी कला, ग्राम आवारा और जसपुरा चौराहे के बीच से। इस मामले में हम लोग 20 दिन पहले आए थे, DM महोदय को हमने शिकायती पत्र दिया था, थोड़ा बहुत वहाँ से गाड़ियों को टर्न किया गया, इसके बाद में फिर वही हाल। आज ग्राम आवारा के और खपटिया कला के लोग हमारे साथ में हैं और ये लोग परेशान हैं। ग्राम आवारा की आबादी के बीच से दो स्कूल पढ़ते हैं, तीन स्कूल पढ़ते हैं, उन स्कूलों के बीच से गाड़ियां निकल रही हैं। इन लोगों ने कई बार वहां के स्थानीय प्रशासन से, SDM महोदय पहलानी से कई बार कहा, लेकिन आज तक उन अधिकारियों के कान में समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जैसे ओवरलोड ट्रक हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, एक बीच में रपटा पड़ता है चंद्रावल नदी में, वो उस क्षेत्र के लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन है। अगर वो भी टूट गया तो क्षेत्र के लोग कैसे आवागमन करेंगे? और दूसरी बड़ी समस्या जो तीन स्कूल पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे वीडियो में कि वो तीनों स्कूल लाइन से और ट्रक निकल रहे हैं स्पीड में, ओवरलोड निकलते हैं, ओवरलोड तो निकल ही रहे हैं ओवरलोड की। और स्थानीय प्रशासन पुलिस क्या कर रही है? स्थानीय प्रशासन सो रहा है, SDM थक हार कर आज ग्रामीण आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय की चौखट पर आए हैं और 3 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती, वहीं पर रोड पर तंबू लगा कर सब लोग बैठ जाएंगे। 3 दिन। नेशन मिरर के लिए बाजा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।